हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अजित कुमार। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे डीटीएच का सिग्नल कैसे सेट करते हैं, वो भी मिनटों में। जी हाँ दोस्तों, मिनटों में आप डीटीएच का सिग्नल सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देख लेना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो चलिए आपको बता देता हूँ कैसे आपको सेट करना है। क्या होता है कि कई बंदे कमेंट कर रहे हैं कि हमसे डीडी थ्री डिस का सिग्नल सेट नहीं हो रहा है, और दोस्तों एक मेरा वीडियो वायरल हुआ है, नो सिग्नल प्रॉब्लम रिमोट से कैसे ठीक करें। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, उसमें ये मैंने बताया है कि मतलब जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाता है तो वो चैनल डिलीट करके फिर से ऑटो स्कैन कर देंगे तो आपका चैनल आ जाता है। लेकिन कई बंदे कहते हैं ये फेक है वीडियो, लेकिन फेक नहीं बनाता हूँ मैं इस चैनल पे। दोस्तों, कभी भी हम फेक वीडियो नहीं बनाते हैं, ये बात ध्यान रखें दोस्तों। तो चलिए आपको बताते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं और डीटीएच का सिग्नल कैसे सेट करते हैं आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रू एंगल मालूम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको स्क्रू एंगल मालूम होना चाहिए। आपको मालूम हो जाएगा स्क्रू एंगल तो आप जो भी सेटेलाइट या जो भी कंपनी का आप डिश सेट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से डिश सेट कर पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आपको डीटीएच का सिग्नल सेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रू एंगल, जी हाँ दोस्तों, आपको स्क्रू एंगल मालूम होना चाहिए। देख सकते हैं सबका स्क्रू एंगल, फिर से मैं बता देता हूँ, हर वीडियो में बताते रहते हैं लेकिन आपको नज़दीक से थोड़ा बता देता हूँ। देख सकते हैं ये इतना रहेगा तो डिश टीवी, सॉरी दोस्तों, ये टाटा स्काई और वीडियोकॉन, जी हाँ दोस्तों, टाटा स्काई और वीडियोकॉन, ये दोनों सेट हो जाएगा। और एयरटेल के लिए आपको इतना स्क्रू एंगल, इतना तिरछा रखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए ये कितना तिरछा हो रहा है, मतलब कितना टेढ़ा हो रहा है। तो ये एयरटेल का हो गया। उसके बाद यहाँ पे इतना करेंगे तो ये डिश टीवी का हो गया। जी हाँ दोस्तों, डिश टीवी और जो थ्री डिश आता है, मतलब डीटीएच हमारा, इसका हो गया। और उसके बाद आप जो भी मतलब अदर और सारा सेटेलाइट है उसको भी सेट करेंगे तो उसका स्क्रू एंगल सबका अलग अलग होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे सेट करना है, आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो वीडियो पे बने रहे, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं इस चैनल पे बताते रहते हैं। तो चलिए फटाफट से हम डीटीएच का सिग्नल सेट करेंगे। तो स्क्रू एंगल बताया था ना, इतना तिरछा रहेगा, और एयरटेल का इतना, तो हमको डीटीएच सेट करना है तो इतना तिरछा रहना चाहिए। उसके बाद आपको एक सर्विस केबल, जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं ये एक मीटर का सर्विस केबल है, तो इसको आपको बना लेना है। बना लेंगे तो आप सेटअप बॉक्स को भी ऊपर लेकर आएंगे और वहां से भी आप मिला लेंगे, लेकिन हम अपने मीटर से आज मिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने मीटर से मिलाएंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए कि कैसे हम मिलाते हैं। और दोस्तों घबराना नहीं है, एक बात मैं बता देता हूँ कि आप घबरा जाएंगे कि मतलब हमसे डिश नहीं मिलेगा तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो यही बात है, घबराना नहीं है दोस्तों। और चलिए आपको दिखाते हैं। तो एक वायर को मतलब यहाँ पे दोनों तरफ कनेक्टर है, तो एक कनेक्टर को मैं यहाँ पे एलएनबी में लगा लेता हूँ। और एक और बात दोस्तों, आपके पास ये कांटा वाला मीटर है तो और अच्छी बात है दोस्तों, कांटे वाले मीटर से ये मालूम चल जाता है कि मेरा एलएनबी खराब है या ठीक। क्या होता है कभी कभी नया एलएनबी लगा लेते हैं फिर भी वो खराब रहता है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मतलब नया एलएनबी लगा लिए हैं लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं आ रहा है। तो इस मीटर से दोस्तों आप एलएनबी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आपको ये मीटर 250-300 रुपये मिल जाता है। और दोस्तों हम अपने यूरी 999DX मीटर से मिलाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम ऑन करते हैं, ऑन हो गया। और उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये कनेक्टर हम यहाँ पे लगाएंगे। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि कौन सा सेटेलाइट मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है। तो देखिए बहुत सारा सेटेलाइट हमारे मीटर में, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा सेटेलाइट सेट है। देखिए अभी वीडियोकॉन मैंने सेट नहीं किया है, लेकिन वीडियोकॉन ऑटोमेटिक मतलब इस सेटेलाइट पर सेट हो गया है। इसको ऐसे करेंगे तो देखिए, देखिए सिग्नल आ रहा है ना, देखिए वीडियोकॉन का आपको दिख रहा होगा, वीडियोकॉन का। तो ये वीडियोकॉन अभी सेट है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों डीटीएच का सिग्नल हम सेट करेंगे, डीडी डायरेक्ट का।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टिप्पी वगैरह देख सकते हैं, ये नोट कर लीजिए। MPG2 या MPG4 में भी ये डाल देंगे टिप्पी, तो 100% दोस्तों आपका जो सिग्नल है वो सेट होगा। तो देख सकते हैं ये वाला टिप्पी है दोस्तों, देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी 11470 सेम्बोलेट है, 29500 पोलरिटी भी रखना है, 22K ऑटो रखना है, और दोस्तों हो गया। उसके बाद हमारा रिंच हम निकालते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले आपको छतरी को लूज करना है, हल्के साथ लूज करना है। देखिए दोस्तों, अब देखिए हल्के हल्के इधर उधर करना है। देखिए कितना मिनट लगा, देखिए यहाँ से यहाँ पे वीडियो कॉन था, और देखिए कुछ नहीं किया, कुछ किया नहीं किया ना, केवल थोड़ा सा अंतर इधर से उधर कर दिया। और देखिए सिग्नल क्वालिटी देखिए दोस्तों, देखिए 65% देखने को मिल रहा है, 65% सिग्नल जो कि DD डायरेक्ट यानी DD फ्री डिश का सिग्नल इतना बढ़ गया है। अब बताइए कितना समय लगा, मिनटों में सेट कर पाए ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ध्यान से देखिएगा वीडियो, तो आप 100% सीख जाएंगे वीडियो, मतलब सीख जाएंगे सिग्नल मिलाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।